नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंदर हम लोकतंत्र में का अध्ययन कर रहे थे और लोकतंत्र में हमने उसकी विशेषताओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। यह लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि एक और तो बर्क जैसे विद्वान जो कि बहुत ही बड़े विचारक रहे, उन्होंने लोकतंत्र को एक लज्जाहीन शासन कहा है, तो दूसरी ओर लोवेल जैसे जो विद्वान हुए, लोवेल जैसे जो विचारक हुए, उन्होंने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। देखिए दोनों ही विचारक, लेकिन उन दोनों का ही पक्ष अलग अलग है। बर्क ने लोकतंत्र को लज्जाहीन शासन बताया है तो लोवेल ने इसको सर्वश्रेष्ठ शासन बताया। तो अब इसी कारण से हमें लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करना जरूरी है कि लोकतंत्र में वास्तव में आलोचना क्या होती है, कि भी किसी भी चीज की अच्छाइयों को भी देखना और बुराइयों का भी अध्ययन करना और दोनों से निष्कर्ष निकालना कि वास्तव में क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो हम आलोचनात्मक परीक्षण लोकतंत्र का पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र के गुण, कि लोकतंत्र में क्या क्या गुण है, क्या क्या इसकी अच्छाइयां है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों लोकतंत्र के गुण में। पहला जो गुण है, सार्वजनिक हित में वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकतंत्र क्या कहता है कि सभी को समान मानता है। लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं या जो भी सरकार होती है वो सभी का हित देखती है, सार्वजनिक हित की बात करती है। इसी कारण से लोकतंत्र में सार्वजनिक हित में वृद्धि मानी जाती है। फिर आगे लोकतंत्र के गुणों में दूसरा जो गुण देखेंगे वो है कार्य कुशल शासन। अब कार्य कुशल शासन कैसे होगा? तो क्योंकि सरकार जो होती है लोकतंत्र के अंदर, वो जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है और इसी कारण से जनता के उद्देश्यों के आधार पर, जनता की इच्छाओं के आधार पर, या जनता जो चाहती है उन डिमांड या उन मांगों के आधार पर सरकार को चुनती है। इसी कारण से सरकार उस जनता की मांगों को पूरा करने के लिए, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक अच्छा शासन करती है। कार्य कुशल शासन होता है जो अपने कार्य को बढ़ावा देती है और अब ज्यादा से ज्यादा इस चीज को या अपने विकास को आगे बढ़ाने में प्रयास करती है। फिर बात करते हैं लोकतंत्र के गुणों के अंदर सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र जो है सभी की शिक्षा का साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गेटल ने, एक विद्वान हुए गेटल, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला कुल बताया है। क्या बताया गेटल ने? कि लोकतंत्र जो है वो लोगों को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान समझा जाता है तथा सार्वजनिक शिक्षा की बात इसमें की जाती है। फिर आगे एक गुण लोकतंत्र का ये भी है कि ये नैतिक शिक्षा का साधन भी माना जाता है। नैतिक शिक्षा का साधन कैसे? चूंकि जनता जो होती है वो अपने मत के आधार पर एक सरकार का निर्माण करती है, सरकार को चुनती है तथा इसी कारण से जनता के अंदर आपसी मतभेद कम होते हैं और वो नैतिक मूल्यों का उनमें विकास होता है। एक साथ परस्पर एक दूसरे की स्वतंत्रता समानता की रक्षा करने का भाव उनमें होता है। इसी कारण से नैतिक शिक्षा का साधन भी लोकतंत्र को माना जाता है। इसी नैतिक शिक्षा को स्पष्ट रूप से बताने के लिए ब्राइस नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा जब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसका व्यक्तित्व विकास होता है। मतलब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलता है तो उसका व्यक्तित्व जो होता है वो विकसित होता है और स्वयं का जो उसका दिमाग जो होता है वो सभी के हित की बात करता है, नैतिक शिक्षा की बात करता है। फिर आगे इसमें लोकतंत्र के गुण में पांचवा जो गुण है वो है देशभक्ति की शिक्षा, कि जो लोकतंत्र जो होता है वो हमें देशभक्ति की शिक्षा देता है। देशभक्ति की शिक्षा कैसे देता है? तो इस प्रकार से भी अगर देश पर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराता है तो लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक रूपता दिखाते हैं तथा उस खतरे से एक रूप से निपटने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से लोकतंत्र को देशभक्ति की शिक्षा का साधन भी कहा गया है। और इसी बात को बताने के लिए एक विद्वान हुए हैं मिल, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, लोगों के अंदर देशभक्ति का विकास करता है। फिर आगे लोकतंत्र के गुण में जो छठा जो गुण है वो है क्रांति से सुरक्षा। मतलब लोकतंत्र क्रांति से सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? तो विशेष रूप से हम बात करते हैं जब अधिनायक तंत्र की,
जिसमें एक राजा का शासन होता है या एक ही व्यक्ति का शासन होता है, तो वहां पर जो लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है सभी लोग जो है उस राजा से संतुष्ट ना हो, इस कारण से वहां पर क्रांति की भावना पैदा होने के चांस होते हैं। जबकि लोकतंत्र के अंदर सभी की बातों को सुना जाता है, सभी को समानता के अवसर दिए जाते हैं और सभी को समान रूप से स्वतंत्र माना जाता है, अतः यहाँ पर क्रांति से सुरक्षा महसूस होती है, क्रांति होने की संभावनाएं कम होती है। फिर आगे बात करते हैं लोकतंत्र के गुण के अंदर, सातवां जो गुण है वो है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अभी अपन ने बात की कि लोकतंत्र जो है हमें क्या प्रदान करता है, समानता और स्वतंत्रता, कि सभी लोग वर्ण, लिंग, जाति और रंग के आधार पर समान होते हैं तथा सभी को अपनी बात रखने का, अपना कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी कारण से लोकतंत्र हमें समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन माना जाता है। जबकि अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि कुछ विशिष्ट वर्ग जो होता है उसी को ज्यादा स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान होती है, बाकी लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए दोस्तों कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने अधिकारों का या लोगों के अधिकारों का हनन करे तो वहां पर आप लोकतंत्र में आपके पास होती न्यायपालिका, जहां पर आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपके साथ अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वहां पर हमें न्यायपालिका हमें उचित न्याय प्रदान करती है। तो यह लोकतंत्र का एक विशिष्ट गुण होगा कि लोकतंत्र में एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। फिर आगे बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो लोकतंत्र जो होता है कला, साहित्य व विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। क्यों होता है, वही बात आती है वापिस कि सभी लोगों को समान समझा जाता है, किसी प्रकार का वर्ण, जाति, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, अतः सभी लोगों को अपनी अपनी कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने के उचित अवसर प्रदान होते हैं। जबकि अधिनायक तंत्र की बात करें, कुलीन तंत्र की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर विशिष्ट वर्ग को ही आगे बढ़ावा मिलता है, बाकी नीचे का जो तबका होता है वो दबता ही चला जाता है, वो ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर पाता है, अतः लोकतंत्र में कला, साहित्य व विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। फिर आगे बात करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखो अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में क्या होता है कि जो शासन की समस्त शक्तियां होती है वो राजा के पास में या उसके विशिष्ट जो कुछ जो गिने चुने जो मतलब कि मंत्रीगण होते हैं उनके पास में होती है, जबकि लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। राज्य सरकार के पास अलग शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियां हैं, उसमें भी फिर बाद में राज्य सरकार के अंदर तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग तरीके से शक्तियों का उसमें विकेंद्रीकरण किया, मतलब बंटवारा किया गया, जबकि उस अधिनायक तंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियां मौजूद होती है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने के कारण भी लोकतंत्र को एक सर्वोच्च शासन प्रणाली माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं, लोकतंत्र तो विश्व शांति का समर्थक है। अब विश्व शांति का समर्थक लोकतंत्र को क्यों माना जाता है, वही बात आती है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है, किसी प्रकार की क्रांति नहीं होती है, तो लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति विश्वास करते वो विश्व शांति को बढ़ावा देते। जबकि कुलीन तंत्र जो होता है, या अपन कह सकते कोई एक राजा जो होता है वह अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो वहां पर विश्व शांति का द्योतक वो नहीं हो सकता क्योंकि वो युद्ध को ज्यादा मान्यता देता है, अपने नियमों को ज्यादा मान्यता देता है, जबकि लोकतंत्र जो होता है वो संविधान के अनुसार कार्य करता है। इसी कारण से विश्व शांति का समर्थक है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं कम होती है, युद्ध की संभावनाएं कम होती है। अब हम आगे देखेंगे लोकतंत्र के दोष क्या क्या है। तो दोस्तों लोकतंत्र के गुणों के बाद में अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के दोष, कि हर एक चीज या हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ कमियां भी उनमें हमें दिखाई पड़ती है। तो लोकतंत्र के दोष क्या क्या है वो समझते हैं एक एक करके। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा ब्रह्मपूर्ण, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज। फिर देखो लोकतंत्र में सभी लोगों को समान माना जाता है और बुद्धिजीवी माना जाता है, इसी कारण से उनको मत देने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन जो ये जो मत का जो भी होता है, जो मतदान जो होते हैं, ये जातिवादी रूप से या हम कह सकते हैं समाजवादी रूप से किए जाते हैं। अतः लोकतंत्र में जो व्यक्ति संबंधी धारणा जो है वे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार तो प्राप्त है, मत देने का अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का वो सही तरीके से सोच समझकर उपयोग नहीं करते। इसी कारण से व्यक्ति संबंधी धारणा जो है इसमें ब्रह्मपूर्ण मानी गई है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। क्यों?
क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बुद्धिजीवी वर्ग। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसी के आधार पर शासन का सही संचालन हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो उदासीन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो अपने कामों में मगन रहता है, उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसी कारण से बुद्धिजीवी वर्ग जो है उदासीन दिखाई देता है और यही लोकतंत्र की एक कमी है। फिर शैक्षणिक महत्व का दावा ब्रह्मपूर्ण। अब देखो लोकतंत्र जो है एक तरीके से कहा जाता है कि ये हमें नागरिक उचित नागरिक शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा देता है। लेकिन अगर व्यक्ति जातिवादी या अपन कह सकते समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, अगर व्यक्ति बटा हुआ है, तो नैतिक शिक्षा का मूल्य कहां रहा? नैतिक शिक्षा व्यक्ति में नहीं है तो शैक्षणिक दावा जो है इसका यह भी ब्रह्मपूर्ण माना गया है। फिर आगे लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता ब्रह्मपूर्ण है। देखो एक तरफ कैसे तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में सभी लोग समान है, उनको सभी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन हम अगर आर्थिक रूप से देखें तो सभी लोगों को आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा निम्न कैटेगरी में, गरीब कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अब लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता तो है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर वो स्वतंत्र नहीं है, समान नहीं है, तो लोकतांत्रिक समानता भी नहीं। क्योंकि जो बुद्धिजीवी या जो मतलब जो धनवान जो व्यक्ति होते हैं वो ही पूरी शासन या पूरी सरकार की कार्य प्रणाली में अपना हक रखते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी बात को नहीं कह पाते। इसी कारण से लोकतांत्रिक समानता व स्वतंत्रता का भाव जो है वो भी ब्रह्मपूर्ण है। फिर राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखो राजनीतिक दल बनते तो इसलिए है कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में देखा जाए तो सभी जो दल होते हैं वो अपने अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। देशभक्ति की जगह लोगों में दल भक्ति की भावना का विकास होता है। कोई एक दल का समर्थक है तो कोई दूसरे दल का समर्थक है, चाहे उनका दल गलत भी कह रहा है तो वो लोग अपने दल के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, दल भक्ति की भावना रखते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है और यही राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र को वास्तव में सक्रिय नहीं होने देते। तो दोस्तों लोकतंत्र में अपना जो अगला जो दोष है वो है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। देखो लोकतंत्र के गुण के अंदर कहा तो जाता है कि ये जो सरकार जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सरकार की जो शासन प्रणाली होती है वो अनुत्तरदायी होती है। अगर कोई कार्य करने में असफलता हासिल हो जाती है या कोई भी कार्य सही ढंग से सरकार का नहीं हो पाता है तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो विरोधी दल होगा उसके ऊपर इसका जो भी कमी होगी वो उसके ऊपर डालेगी, इस दल के कारण हमारे जो ये कार्य जो था वो परिपूर्ण नहीं हो पाया। जबकि विरोधी दल जो होगा वो सरकार की नीतियों पर आक्षेप लगाएगा भी कि सरकार की नीतियां सही नहीं थी, इसी कारण से ये जो कार्य है सही नहीं हो पाया। तो इसी कारण से अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, मतलब कोई भी अपनी कमी का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, और यही अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। फिर आगे है सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय। ये बात तो बिल्कुल भी सही है क्योंकि जो सार्वजनिक धन लोकतंत्र का जो शासन जो भी चलता है वो जनता के पैसों से ही चलता है। अब वहां पर कानून बनाने में वहां पर लंबी चौड़ी बहस होती है जो अलग अलग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा आदि में हम देखते हैं। तो वहां पर ये जो लंबी चौड़ी बहस होती है वहां पर धन और समय का अपव्यय होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, फिर भी सही तरीके से कानून का जो निर्माण हो वो नहीं हो पाता है। इसी कारण से सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय भी लोकतंत्र को माना गया है। जबकि हम कुलीन तंत्र की बात करें तो राजा ने जो लिख दिया वही उसके लिए कानून है, फिर उसके बाद में उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता है। जबकि लोकतंत्र के अंदर हमें सबकी बात सुननी पड़ती है, इसी कारण से समय और धन की जो है बर्बादी ज्यादा होती है। आठवां है उदासीन मतदान। हम देखेंगे जो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश है जहां पर मतदान होते हैं, सरकार को चुना जाता है, वहां पर मतदान का जो औसत है वो लगभग 60 या 70% या 50 या 60% लगभग रहता है, जो कि उदासीन मतदान है। सभी जो मताधिकारी है वो सही तरीके से जागरूक नहीं होते हैं, वो मतदान नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से उदासीन मतदान होने के कारण सरकार जो है वो भी थोड़ी कमजोर साबित होती है। फिर है संकटकालीन दृष्टि से कमजोर शासन। अब संकट काल के अंदर भी लोकतंत्र को कमजोर माना गया है क्योंकि अगर कुलीन तंत्र या राजतंत्र हो तो वो सीधे मतलब कि आदेश दे सकता है, किसी भी संकट काल की स्थिति में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो सीधे लेने पर ले सकता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी दलों को
बिठा कर उनसे बात करके या उनके साथ सामंजस्य करके फिर निर्णय लिया जाता है। इसी कारण से संकट काल की दृष्टि में इसको कमजोर माना जाता है। फिर है विश्व शांति का समर्थक नहीं। देखो लोकतंत्र जो है, अधिकांश साम्यवादी विचारक जो है लोकतंत्र को पूंजीवादी मानते हैं, और पूंजीवादी देश जो होते हैं वो हमेशा अपना मतलब डेवलपमेंट ज्यादा करना चाहते हैं, अपनी साम्राज्यवादी नीति रखते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इसी कारण से वो एक दूसरे या उन देशों के आसपास के देशों के साथ उनके जो मनमुटाव होते हैं, उनके आसपास के देशों के साथ संघर्ष चलते रहते हैं, इसी कारण से वो युद्ध के खतरे भी वहां पर मंडराते हैं। इसी कारण से इसे विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से लोकतंत्र के गुण और दोष मैंने आपको समझाए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही तरीके से नोट्स बनाएं तथा इनको पढ़ें। निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक हासिल होंगे। धन्यवाद।